हेलो भाइयों, मैं हूं आकाश पवार और मैं यहां पे अपनी गैंग के साथ में आगरा में पहुंच चुका था। भाई जो टाइम हो रहा है 11:36 का, जो कि टाइम नहीं है चेकआउट करने का। यहां पे 10 बजे यहां पे बोल देते हैं भाई साहब चेकआउट के लिए कि सर चेकआउट का टाइम हो गया, फिर भी हमने कोई और ताजमहल देखने। अच्छा तो वो 11 बजे यहाँ पे सो जाएंगे क्या? हम तो देखे ना, अभी चल तो रहे हैं तो कुछ भी छेप दिया इन लोगों ने। चलो फिर भी अब हम लोगों का बैग वैग तो पैक हो गया, अब हम लोग निकलते हैं अपना बाहर गाड़ी के पास। कोई लाया नहीं है और भाई बाल देख रहे हो भाई, तुम अपने बाल देख। भाई रुक जा भाई, ये यहाँ पे कॉम नहीं लेके आए हैं हम लोग, कोई भी ना तेल वेल कॉम वम क्या लेके आएंगे। तो ये लड़का बोल रहा है कि भैया मैं अभी सलून जाऊंगा, मुझे अपने बाल बाल सेट कराने, बिकॉज ही रीलर और छपरी रीलर से आपको पता ही है कि उनको रील बनवाने के लिए वो कहीं भी घूमने के लिए आते हैं, ठीक है ना। देखो भाई ये नई टी शर्ट लेके आते हैं, जींस लेके आते हैं, ये नकली अभिवास की चप्पलें पहनते हैं, नकली टॉम हिल पिकर की चप्पलें पहनते हैं, 300 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं। 11:38 हो रहे हैं, ये देखो भाई, ये देखो यस तेरे लिए सलून मिल गया, जल्दी जा जल्दी से उस वाले सलून में जाओ। हाँ फटाफट अपने बाल बाल सेट कर लो सारे लोग यहाँ पे। चलो यहाँ ताओ ड्रायर है को क्या, बारन में मारने के ड्रायर या छोरा के मारनो है बार सेट ना है रहा के। अरे कर ले ना, अरे मैं क्या मारू तो क्या चाहिए ताओ आए हमारी जिंदगी में बार बन। वाओ काफी है, गुड सैलून की चॉइस है तेरी तो। कि मैं तो किसी सैलून में जाऊंगा पहले, मैं कुछ भी पहने देखो मैं कितना डाउन टू अर्थ हूं। तो तू भी काट तो ठीक है, सबसे बड़ा ये छपरी है। इतने तो मलूक ना हो तुम लोग जब तुम्हारे हाल है, मलूक होते तो क्या करते भाई। आलू की सब्जी भी है क्या? आलू की सब्जी है, कचौड़ी है, पूड़ी है, सब्जी मस्त है, हींग गिर रहा है सब्जी में, हींग सब्जी मस्त है। आपको बताऊंगा खा के, चल टेस्ट कर, टेस्ट करवाना जरा, थोड़ी सी देना दुनिया में। चलो आज भाई की, भाई एक प्लेट खाते भाई की पहले ना, एक प्लेट लगाओ दो। मोस्ट रिकमेंडेड, अगर आप ताजमहल आगरा आ रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे आपको नकली होटल रेस्टोरेंट दिखेंगे, पर उन पे कभी मत खाना भाई साहब, कभी भी बहुत ही गंदा वाहियात खाना होता है। बहुत स्टाइल देखो, अब देख लिया ये तो एकदम यश की तरह छपड़ी था यस, अब चश्मो पे से वो तेल सा तो साफ कर ले। कचौड़ी खा रहे हो तुम, इट्स सो अनहाइजीनिक। सो कोई बात नहीं, तुम मत खा, तू मत खा जा। खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा, भूख लगी है खाऊंगा। 60 रुपए में ब्रेकफास्ट डन, 60 रुपए में भाई साहब 10 रुपए पर कचौड़ी के हिसाब से। जय श्री केला देवी मिष्ठान भंडार पे, नंबर भी नोट डाउन कर लो। अगर जय नहीं है केवल श्री है, अरे भाई तू जय अपनी तरफ से लगा दे क्या? अरे मैया ऊंट पे बैठ, तू ऊंट पे बैठ जा, देखो ऊंट पे सारो गंगड़ो गम यो थारो में, देखो ऊंट पे सारो गम यो थारो में। और हां अबे अबे ने पेमेंट करी थी, थैंक यू अबे फॉर दिस टेस्टी ब्रेकफास्ट, 60 रुपए की पेमेंट थी। ओह थैंक यू, मेरा भाई कैसा, अच्छा चलो मैगडी में भी खिलाएगा भाई। ये देखिए पार्किंग यहाँ पे, जब हम लास्ट टाइम आए थे इस पार्किंग में, अब तो शायद ये कैश में लेने लगे यार उन पर्ची वर्ची में। पिछली बार तो इन्होंने भाई साहब ज्यादा टाइम ले रहे हैं ना, कार्ड दो भैया कार्ड दो, कार्ड से होगा। ये दूसरे वाली पार्किंग है, पिछली बार हम दूसरे वाली पार्किंग में थे। हाउ मेनी मच चार्ज है, हाउ मच, हाउ मच, हाउ मेनी, नहीं कितना अभी देने दे, ये क्या है, अब है दे रहा है अबे दे रहा है। मैं कैश में डील नहीं करता, ये बिजली का चार्ज करने का जुगाड़ है क्या? ये क्या है, ये देखिए ईवी चार्जर भी है इधर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपने ईवी अगर लेके आते हैं तो वो यहाँ पे आप चार्ज भी कर सकते हैं।
कितनी हैंडसम क्वीन लग रही है तू, एकदम एकदम तेरे जलपियों पे तो बहुत ही क्यूटी क्यूटी लग रहा है ये। सही लग रहा हूँ भाई? नहीं तू नहीं लग रहा, सॉरी। मैं तो उसको वैसे 10 रुपए में टका रहा हूँ, तुम भी पागल ही हो, कहते ले लो ले लो, खा मगा। इनकी कोई जरूरत पड़े ना, दे रहे तू जो अभी तेरे पार्किंग यहाँ हमने पार्किंग में ऐसी में लगा दी अब की बार गाड़ी के, हमें ई रिक्शा में जाना पड़ा। पिछली बार तो हम पैदल 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 थोड़ी सी दूर पार्क से मैं तो नहीं करके जाए कर रहे दूसरा गेट है वो ही है ना, जब तुम किसी फर्स्ट टाइमर्स के साथ में आ जाते हो तो यही होता है। चश्मे वैसे लगा रखे इन्होंने, रिच किड लग रहे हैं ये, सिर्फ एक किड को देख के। चश्मों से ना बहुत लोग लूट लेते हैं। चल तो फिर धूप में क्यों चल रहा हो तू अंग्रेज? तुम्हारी वो वीडियो बहुत अच्छी थी, सबसे सस्ता हेयर कट वाली, तुमने काफी अच्छा कंटेंट ढूंढ के निकाला। दूर दूर से लोग आते हैं हेयर कट के लिए। थैंक यू भाइयों को बहुत अच्छा, तूने बहुत अच्छा कंटेंट दिया। वो भी कह रहे की अगर भाई ऐसा कंटेंट तुमने कभी देखा ही नहीं था पहले यार। नाइस, एटलीस्ट कुछ लोगों से तो बेटर है। चश्मे लगा कर मैं बड़ी जल बड़ी जल पड़ी। ओ गाइस, ये मैंने क्या देख लिया, देख ये सिस्टम है भाई, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्रीटी क्यूटू क्यूटू सा गेट है। फिर चश्मा में तो अरे रुक तो सूटा साफ कर लेने। अरे साफ है सब दिखा, कुछ ऐसा कर रहे थे वो है वो है। ओ ये है, वाओ व्हाट अ ब्यूटी। दिस इंग्लिश इंग्लिश बाबू, तुम हो बहुत ख्वाबू। क्या आप रेडी हैं ताजमहल देखने के लिए? तो आपको क्या मेरा ताजमहल देखना है? जो ताजमहल मुमताज ने शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था, और आकाश आप अपनी महबूबा के लिए बनवाएगा। ये जो ताजमहल आप देखने के लिए रेडी हैं तो ये लीजिए। आपको नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है, ये लीजिए। मेरा फ़ोन थोड़ा फोकस करने, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस कर रहा है। बाकी यहाँ पे आप क्राउड देख सकते हैं गाइस, कितना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा लोग ताजमहल को देखने के लिए आ रहे हैं। एक मोहब्बत की प्यार की निशानी यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आज की। शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए क्या क्या कर दिया था उसके प्यार में, तो ये देखिए ये कर दिया था। वाह, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल प्यार की निशानी। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। पानी पानी अंकल जी, मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। अंकल जी अंकल जी प्लीज गिव मी वाटर अंकल जी। तो चौंध है इतना ज़्यादा भाई साहब यहाँ पे, आप इस टाइम में नहीं आए तो इट्स बेटर रहेगा आपके लिए। आफ्टर 2 मंथ्स यू कैन प्लान टू विजिट ताजमहल। तो चार्ज करूँगा। तू मेरे से 10 रुपये ले लियो एक बार, वो बात तू एक बार फिर से कह दे भाई, प्लीज़ कह दे भाई, प्लीज़ 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 कह दे यार एक बार। ऐसे थोड़ी ना, अरे ऐसे वैसे ही कह दे, तो बिना फीलिंग्स के साथ में बोल दे एक बार वो वाली बात जो तुम जब कही थी, बताइए भाई क्या एक बार कह दे एक बार। ये कह रहा था कि यार अगर मतलब शाहजहां को क्या ऐसा सूझा कि वो मतलब ताजमहल बनाता हूँ। बच्चों के लिए करना चाह रहा था, किस्मत देख तू बैठा है यहाँ, वरना यार जिंदा हो तो बच्चों के लिए तेरे को बैठने देते यहाँ, तो यहाँ को यहाँ कर रहा होता कोई वो मजदूरी सी, और बैठा सबसे सबसे विफल बादशाह था वो मुगल सल्तनत का। किसका किसका था? मुगल सल्तनत का सल्तनत था वो सच में। उसने अपने क्या किया भाई, सारे जितने भी मतलब उसके कोष में जितने भी धनराशि थी ना, वो सब ऐसी चीजें पे उसने खर्च कर दिया था। अच्छी तो की है तेरे लिए कुछ बना के क्या है, और जो सफल रहे उनके उनका क्या है हमारे पास आज? उन्होंने तो अपने बच्चों के लिए अपने उनमें लगा दिया, अपने उसमें उसने बेचारे हमारे कलयुग में हमारे इंडिया को 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड दिलाया,
नहीं वैसे मतलब प्रजा की नजरों से विफल था, मतलब अपना पर्सनल कर लो, पर्सनल चीजें कर लो तो वो होते सफल, है ना। ओ गाइस यहाँ बहुत ही ज्यादा गर्मी है, बहुत ही ज्यादा हीट है इधर। इतनी गर्मी में आप ताजमहल ना विजिट करें, हम लोग तो बाहर आ गए हैं क्योंकि हम लोगों को बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही थी। क्या अरे मैं अंग्रेजों का एक्सेंट सीख आया, जैसे इंडियन अंदर बोल रहे हैं ना गाइड, तो पहले चुरी थूक दी गई है। हाँ आगरा में तो भैया अब कावड़ चढ़ रही है, आज यहाँ पे दह कावड़ निकल निकल के जा रही है। इतनी दोपहर में बहुत ज्यादा ताता पड़ रही है, यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है। गाड़ी चाबी शायद करो ले गए ब्रो। ओ यार सो हॉट हियर, पिंड बलूची में नकली पेड़ गिलास देखो भाई साहब, तो 2.5 किलो का तो गिलास ये एक, जो भी एक ही मिला है चार लोगों में सिंगल गिलास, शायद वो लाना भूल गए हैं। देखो गाइस मैं लोकल पंसी पेठा ले आया, पंची ओ पंची लिख रहा हूँ, पंची ना लिख रहा हूँ, मोबे मोबे पता होगा हैं, पंची होता है, पंची में तो सी आता है, इसमें एस है, पंसी हाँ पी एन एस एच आई, ओरिजिनल पंसी वाला नहीं है। नकली लिया है तो हाँ, तो तू ओरिजिनल लेने का नहीं है तो कहाँ जाएगा फिर। और ये देखो ये है गेट पे, इस पे तो कोई कंपनी नहीं है, ये ओह फिर दिखा क्यों रहा है ये वाला टेस्ट मेरी तरफ से था ना मैं तो इनको ये वाला टेस्ट कराऊंगा, इसको तो मैं घर लेके जाऊंगा, इसको नहीं खाइयो, इसको खा तू, इसको घर खाइयो, इसको खाओ। भाई तू ड्राइविंग सीट पे बैठ तो गया, थोड़ा ध्यान से चलियो है ना, थोड़े प्यार से। अभी हम लोग पहुंच गए यमुना एक्सप्रेस पे, अरुण आ गया पीछे वीडियो एडिट करने के लिए क्योंकि टाइम हो गया 4:20 साहब। ये देखिए यमुना नदी का पानी, यमुना नदी है ना गाइस, ये ओ ज्ञानी यमुना ही है ना। अबे कब से ज्ञानी हो गया, अबे बहुत बड़ा ज्ञानी है। अबे का फैन मेरे पास बहुत कम है भाई, यहाँ पे बहुत तगड़ा पानी आ रखा है। ये सारी देखो ये मशीने यहाँ पे खड़ी हुई है ना भैया, अरे जाम देखे यहाँ वृंदावन में हम लोग आए हैं अभी, और इतनी परफेक्ट जगह हमने अपनी गाड़ी लगाई थी, और यहाँ पे कुछ लेडीज आई और वो अपनी यहाँ पे ये BMW की गाड़ी लगा चली गई। फिर हमको एक और परफेक्ट जगह मिल गई ये वाली, यहाँ पे अब ला के हमने अपनी गाड़ी को लगा दिया है। अब यहाँ से हम लोग रिक्शा करके भैया जब जाएंगे 4 किलोमीटर क्या है, बहुत अच्छी बात कही अब यादव ने की 4 किलोमीटर उसके लिए क्या है, क्योंकि अभी हम लोग गाड़ी खड़ी करके पार्किंग में और भैया रिक्शा में बैठ कर चलती है। वहाँ पर मैंने जाम दिखाया, इतना ज़्यादा जाम कि हमारे बस की नहीं कि हम लोग ऐसे वहाँ गाड़ी है जाम में लगे खड़े रहे, क्योंकि कल हमने देख लिया था कि बहुत जाम में हम फंसे रहे, इसलिए हम लोग अभी निकल गए हैं ई रिक्शा में, जिसका डिफरेंशियल सब खराब है। ऐसी भीड़ देखी है भाई आपने कभी वहाँ के बिहारी जी के दर्शन के लिए, देखो भाई साहब लाइन लगी हुई है तगड़ी। ये देखो भाई अब हम लोग इस्कॉन टेंपल में आ गए, ये क्या हो रहा है भाई साहब, प्रेम मंदिर में ऐसी भीड़ देखियो भाई साहब, फर्स्ट टाइम This is something unique भाई, this is something unique। वाह बड़ा पार्किंग अग्रवाल रेस्टोरेंट, काफी गुड पार्किंग तो यहाँ देखो। बलेनो वाले की हिम्मत अग्रवाल की थोड़ी है, अग्रवाल दिख तो बढ़िया रहे हो भाई, देखो बिक भी खूब बढ़िया रहा है, देखियो ये वैगनार भी तो चढ़ रहा है भैया, बलेनो वाले चढ़ा देते यार। कितनी तेज भूख लगी थी मेरे को तो बहुत तेज, तो मैं आ गया हूँ फूड दाफू पे अपोर्ट लेक्चर ले चलूंगा अभी,
घर हाँ पलवल कर चलेंगे कोस्टा पिज़्ज़ा हट साहब इसमें तो चलते हैं फिर खाने। भाई अभी हमने बर्गर सिंह पे से बर्गर ऑर्डर किए थे उड़ता पंजाब, भाई साहब कितना टेस्टी बर्गर है यार, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बर्गर। और अभी तुमने और भी चीज़ें मंगा रखी भाई। अभी हम लोग पहुँच गए पलवल और अब टाइम आ गया है यश को यहाँ पे टाटा बाय बाय करने का। यहाँ पे ये टैक्सी हमको मिल गई थी क्योंकि अभी इतनी रात में हम तो बोल रहे थे भाई घर चले, कह रहे हैं नाना भाई कल फिर दिक्कत हो जाएगी घर से जाने में, इसलिए अभी यश को इसी में विदा कर देते हैं बिठाते हैं। पिताजी ने भेजी है, चलो बाय।